देखिए भाई कितना बेहतरीन, अभी यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे मटन है और ये देखते हैं रंगत कितना बढ़िया से निकल चुका है और यहाँ पे मटन को परोसा जा रहा है दोस्तों। ये देखिए काफी बेहतरीन तरीकों से अभी मटन को धोया जा रहा है, कितना लाजवाब और कितना बड़ा बड़ा साइज दिखा कितना है भाई, ये देखते कितना बड़ा यहाँ पे चिस्ता आ चुका है और ये चिस्ता अभी जाने पे मटन को अच्छी तरह से धो के फिर यहाँ पे कढ़ाई में जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और कढ़ाई में इस तरह से मटन जा रहा है, गुलाबी गुलाबी मटन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों जो काफी लाजवाब लग रहा है। ये देखते हैं मटन कितना बेहतरीन बनाया जा रहा है और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे प्याज को है भैया, ये चिस्ता है मटन चिस्ता है, इसको चिस्ता बोलते हैं ना, ये कैसे पीस देते हैं, ये साइज के अनुसार है, साइज अनुसार है, तो ये चिस्ता आपको यहाँ पे जा रहा है कढ़ाई में, ये देखिए भाई चिस्ता जा चुका है जो काफी बेहतरीन लग रहा है, पत्ता को अच्छी तरह से धोया जा रहा है, पहले इसको फुला के रखते हैं पानी में ना, तो फुला के फिर अच्छी तरह से इसको धोते हैं ना, अच्छी तरह से पत्ता को धोया जा रहा है, यहाँ पे जैसे धोना भी कर रखा हुआ है। ये देखिए भाई मटन आपको काफी लगा हुआ मटन बन रहा है जो भैया के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो लगभग कितने सालों से मटन बना रहा है भैया, ये 2 साल हो गया मेरा, 2 साल से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मटन देखने को मिलेगा, तो मटन यहाँ पे कैसे देते हैं भैया, मटन 60 रुपए पीस मिलेगा मेरे पास, 60 रुपए पीस, 60 रुपए पीस, एक पीस का 60 रुपए लेते हैं। फाइनली देख सकते हो दोस्तों मटन किस तरह से रंग निकल चुका है, उसके बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे धनिया पत्ता डाल रहा है और ये देखते हैं भाई फाइनली मटन बन के रेडी हो चुका है, उसके बाद ऊपर से इसको ये देखते हैं पिस्ता किस तरह से कटिंग किया जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे ग्रेवी डाला जा रहा है जो काफी बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं मटन खाने के, लोग काफी दूर दूर से आते हैं और थोड़ा तला दली चौक में इस तरह संगी होटल में आपको इस तरह से भीड़ देखने को मिलेगा, खा के देखते हैं टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों राजस्थानी ब्लॉग्स में, तो फिर से आ चुके हैं हम लोग दलादली चौक रांची में जहाँ पे सकवे के पत्तल में खाना खिलाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे धोनी फार्म हाउस के बगल में मटन चावल काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे खिलाया जाता है और इनका कहना लाजवाब है कि यहाँ का मेकिंग जो होता है काफी शानदार रहता है दोस्तों। चलिए आज यहाँ का सारा मेकिंग दिखाएंगे और किस तरह का मटन बनाया था वो सारा कुछ दिखाएंगे और कितना अच्छा रेसिपी रहता है और कितना बड़ी बल्क क्वान्टिटी में यहाँ पे हमेशा बनाया जाता है मटन को, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो में पहली बार आए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं सारा मेकिंग और दिखाते हैं यहाँ किस तरह से बनाया जाता है वो सारा कुछ दिखाने। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से रिंग रोड और चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ का जो मटन है वो किस तरह से बनाया जाता है। ये देख सकते हैं जौहर संगी होटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों और किस तरह के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जौहर संगी जहाँ पे सकवे के पत्तल में जो खिलाया जाता है ना वो काफी शानदार रहता है, देहाती तरीकों से खिलाया जाता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं बांस के पटरियों से यहाँ पे बना हुआ एक होटल है, उस पर भी लोग इसे खाने के लिए काफी पसंद करते हैं। और अंदर आइए दिखाते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी बेहतरीन जगह है, यहाँ पे स्पेस काफी बड़ा है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप खा सकते हैं, मटन का एंजॉय कर सकते हैं, टमाटर को कितना बेहतरीन यहाँ पे कोयले की आंच में पकाया जा रहा है ये देख सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से टमाटर को पकाया जा रहा है, टमाटर का चटनी आपको यहाँ पे मिलेगा जो यहाँ फाइनली प्याज अच्छी तरह से भुना गया है, जब तक यहाँ पे लाल नहीं होगा तब तक इसको भैया जी भूनते रहे, करीब 1 घंटा से धीमी आंच में भैया जी प्याज को भूजे हैं, ये प्याज अच्छी तरह से भुना गया ना भैया, इस तरह से काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। ये क्या डाल रहे हैं भैया, अदरक है, ये अदरक का पेस्ट चला गया है दोस्तों, ये क्या डाल, ये हरा मिर्च, ये हरा मिर्च का पेस्ट जा चुका है दोस्तों, और यहाँ पे और ये क्या डाल रहे भैया, ये लहसुन है, ये लहसुन का पेस्ट यहाँ पे पहले से रेडी कर दिए भैया, उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट जा चुका है, ये कौन सा पेस्ट है भैया, जीरा गोलकी, जीरा गोलकी गरम मसाला सारा कुछ मिक्स है ना भैया, देख सकते दोस्तों यहाँ पे जीरा गोलकी मसाला सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट को डाला गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और सारा मसाला को डालने के बाद फिर इसको कितना मिनट तक भूंजेगा इसको भैया, 20 मिनट तक, अच्छा मतलब लगभग आधा घंटा इसको भूंजेगा ना, प्याज के साथ अभी मसाला को अच्छी तरह से अभी भूजा जा रहा है और देख सकते हैं इस तरह से भून के फिर अच्छी तरह से फिर मटन को बनाया जाएगा, अभी से ही देख सकते ऑयलीपन किस तरह से निकल गया है, ये क्या डाल रहे भैया, ये हल्दी, स्वाद अनुसार यहाँ पे हल्दी जा चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हल्दी जा चुका है, पूरा पैरेट वाला कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च यहाँ पे डाला गया है दोस्तों, कस्तूरी मेथी, ये देखिए कि मेथी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जो मटन को लजीज और एकदम टेस्टीदार बनाता है, मिलाया जाएगा प्याज के साथ और मसाला के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना शानदार लग रहा है भाई, देख सकते हैं मटन को करीब आधा घंटा से भूंजेंगे, तब आधा घंटा आप तो प्याज मसाला भूंजते हैं उसके बाद 1 घंटा प्याज भूंजते हैं, लगभग जितना मटन सीजने में टाइम लगता है उतना मसाला में टाइम लगा देते हैं, धीमी आंच से भूनते हैं ना, अच्छा धीमी आंच से भूनते हैं ना,
तो मटन कैसे देते हैं भैया? मटन है मेरा आपका थाली जो है 150 का। 150 का कितना पीस रहता है उसमें? आपका 2 पीस मटन रहेगा, चावल, पापड़, सलाद, सकरी के पत्ता में। ये झारखंडी तरीकों से यहाँ पे खिलाया जाता है, ये देख सकते हैं। आपका पहले भी एक वीडियो किया हूँ, लेकिन इस वीडियो में बताइए क्या स्पेशल लाए हैं इस बार? चावल के बाद एक और चीज जोड़े हुए हैं, जिसमें आपको बहुत कोई बोलता है कि मुरवा मटर खाएंगे। हाँ हाँ, मुरवा मटर आपको मिलेगा, मुरवा मटन भी मिलेगा और सिलवा भी मिलेगा, दोनों मटन मेरा ओरिजिनल रहता है। ओरिजिनल मटर, छोटा कान वाला, छोटा कान वाला रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब आधा घंटा में रेडी रहता है। अच्छा, मटर डालने के बाद तो देख सकते हैं मटन को इस तरह से धोया जा रहा है, और यहाँ पे पानी में इस तरह से अच्छी तरह से साफ करके फिर यहाँ पे इस कढ़ाई में करने वाला है दोस्तों। ये देखिए काफी बेहतरीन तरीकों से अभी मटन को धोया जा रहा है, कितना लाजवाब और कितना बड़ा बड़ा साइज दिखा भाई, कितना बड़ा यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा। ये देखते हैं मटन का साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये साइज है, चुस्ता भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये रन पीस वगैरह सारा कुछ आ चुका है, ये चुस्ता है भाई, ये देखते हैं कितना बड़ा यहाँ पे चुस्ता आ चुका है, और ये चुस्ता अभी जाने वाला है अभी कढ़ाई में, और इतना बड़ा चुस्ता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये देखिए और भी बड़ा पीस दिखाओ भाई, कौन सा पसंद मनपसंद पीस आपको लोग पसंद करते हैं, ये देख सकते हैं। हड्डी वाला पीस चाहिए तो हड्डी वाला, नाली पीस चाहिए तो नाली पीस यहाँ पे मिलेगा, और अच्छी तरह से इसको धोया जा रहा है, उसके बाद धो के फिर इसको कढ़ाई में जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मटन को अच्छी तरह से धो के फिर यहाँ पे कढ़ाई में जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और कढ़ाई में इस तरह से मटन जा रहा है, गुलाबी गुलाबी मटन आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा छोटा कान वाला अभी मटन अभी जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना शानदार यहाँ पे मटन जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या लाजवाब मटन लग रहा है भाई। साइज देखिए मटन का कितना बड़ा बड़ा पीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मसाला अच्छी तरह से भूंजा चुका है, मसाला भूंजने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मटन को डाला जा रहा है, उसके बाद मसाला के साथ मटन को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे डाल के फिर भैया जी इधर बना रहे हैं। मसाला के साथ भूंजा जाएगा ना, उसमें और भी बेहतरीन लगने वाला है दोस्तों, ये देख सकते हैं काफी सुपर लग रहा है भाई, ये देखिए ताकि यहाँ पे रेडी हो चुका है, पूरा भूंजने के बाद फिर यहाँ पे मटन को भूंजेंगे। पहले मसाला भूंजते हैं फिर मटन भूंजते हैं ना साथ में, अभी फिर भूंजेंगे मसाला के साथ में। ये मटन कितना केजी मटन है आपका? ये आपका बनेगा, ये 20 केजी बन रहा है। 20 केजी मटन? हाँ, दो लोट में हम बनाते हैं, दो स्लोट में। हाँ, ये पहला स्लोट है, ये 20 केजी, तो बाद फिर 20 केजी बनाएगा ना, फिर बना तो लगभग 40 केजी डेली बनाते हैं मटन, डेली डेली। तो मटन का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा आपको साइज देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं भाई साइज देखिए, ये रन पीस है, इतना बड़ा बड़ा साइज, इतना बड़ा बड़ा साइज दो पीस दीजिएगा ना भैया 150 में। हाँ, 150 150 में दो पीस मिलेगा ना, सकुए के पत्ते में 150 रुपए में दो पीस मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे मटन चावल, यहाँ पे पंजड़ी वाला पीस भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखते हैं पंजड़ी वाला पीस, ये भी पंजड़ी वाला पीस और दूसरा पीस भी मांगेंगे तो मिल जाएगा ना भैया। हाँ, हाँ, जो मनपसंद पीस मनपसंद। तो भैया मटन बनाने के लिए तो आपको पता है कहाँ से सीखे हैं, बताइए थोड़ा लोगों को और भी जानना चाहते हैं। इतना बेहतरीन बनाते हैं, मतलब एक घंटा से प्याज भूनते हैं, फिर आधा घंटा से मसाला भूनते हैं, फिर एक घंटा से मटन को बनाते हैं, लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा मटन बनाने में लेते हैं, तो आइडिया कहाँ से आया भैया मटन बनाने का? देखिए हम लोग तो किसान का बच्चा है ना, तो पहले खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, तो माँ पापा तो खेती बाड़ी जाते थे तो घर में खाना बना कर रखिएगा बोलते थे, तो बना के वही बनाते बनाते मतलब घर से ही सीखे बनाने के लिए। तो देख सकते हैं स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक जा रहा है दोस्तों, एक नमक डाल दिया भाई ना, स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये नमक डाला चुका है अपना क्वांटिटी के अनुसार, स्वाद जितना है उसके अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिए हैं भैया जी, ये देख सकते भाई नमक को मसाला के साथ कसा जा रहा है, जिससे टेस्ट जो है ना वो काफी शानदार लगता है मटन का। ये देखिए भाई ये है चुस्ता चरबोदा, ये जा रहा है चुस्ता चरबोदा, ये जा चुका है, कितना बड़ा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये चुस्ता चरबोदा कितना मिलता है भैया? वो साइज के अनुसार है, उठा के इस तरह डालिएगा ना, ये क्या है भैया? ये चुस्ता है मटन, चुस्ता है, इसको चुस्ता बोलते है ना। ये कैसे पीस देते हैं? ये साइज के अनुसार है, साइज अनुसार है। तो ये चुस्ता आपको यहाँ पे जा रहा है कढ़ाई में, ये देखिए भाई चुस्ता जा चुका है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है, और चुस्ता को मटन के साथ काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे बनाया जाएगा। इसको ढकिएगा भैया ना, इसको ढका जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों हल्की आंच में इसको बनाया जा रहा है, पहले इसको ढक के, ये देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे दीदी सकुए के पत्ते को किस तरह से धो रही है, काफी बारीकी से इसको साफ करके फिर आपको यहाँ पे खाने के लिए मिला जाएगा मटन चावल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दीदी आप सकुए कितना दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मेरा 3 महीना हो गया, 3 महीना से यहाँ पे काम कर रहे हैं ना।
तो यहाँ पे सखुआ के पत्ते में जो खाना दिया जाता है काफी जबरदस्त दिया जाता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। ये सब पत्ता सब कहाँ से खरीद के लाते हैं? की खरीद के लाते हैं ना। इसको अच्छी तरह से पूरा साफ करके फिर दोना को भी साफ करिएगा ना अच्छी तरह से। हाँ, इससे पहले पानी में डाल के फुला देते हैं, तब फूलेगा। उसके बाद में हाथ से ऐसा कर देंगे। और आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम उधर अच्छी में काम करते। अच्छा, घर आंगन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पत्ता को अच्छी तरह से धोया जा रहा है। पहले इसको फुला के रखते हैं पानी में ना। पहले फुला के रखते हैं, फुला के फिर अच्छी तरह से इसको धोते हैं ना। अच्छी तरह से पत्तल को धोया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। धोना भी इधर रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी मटन को अच्छी तरह से यहाँ पे भूजा जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे डाला गया है मटन को, तो अच्छी तरह से यहाँ पे गूथा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छी तरह से भैया जी के इसको चला रहे हैं, ये देख सकते हैं, काफी शानदार लग रहा है मटन भाई। क्या भैया, कौन सा चावल खिला रहे हैं? कौन डुप्लीकेट चावल खिला रहे हैं? देखिए ये तो आपके सामने है, देखिए कौन सा है। देखिए कौन सा चावल है भैया, डुप्लीकेट चावल नहीं ना है? नहीं नहीं, बाबा सुपर स्पेशल मिनी कट है। अच्छा, बाबा चावल खिला रहे हैं। तो देख सकते दोस्तों, यहाँ पे बाबा चावल यहाँ पे खिलाया जा रहा है संगी होटल में, जो काफी फ्रेश लग रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं भैया डुप्लीकेट आप दे रहे हैं चावल? नहीं नहीं, आपके सामने है, देखिए ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाबा एकदम फ्रेश वाला चावल आपको यहाँ पे भैया जी खिला रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चावल को किस तरह यहाँ पे फ्रेश से धोया जा रहा है, कितना निचोड़ के यहाँ पे भाई धो रहा है। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे धोया जा रहा है चावल। देख सकते हैं दोस्तों, चावल अभी साफ होके आ चुका है। देख सकते हैं चावल को इस तरह से डाला जा रहा है। ये देखिए भाई, मटन को अच्छी तरह से कसा जा रहा है। तो भैया, मटन को कितना मिनट तक इसको, कितना घंटा तक इसको कसिएगा? ये मटन का पानी नहीं छोड़ता है तब तक सटा देंगे इसको। अच्छा, सटाने के बाद इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। अच्छा, गर्म पानी ऐड करते हैं। गर्म पानी क्यों ऐड करते हैं? ये बैलेंस रहता है। अच्छा, बैलेंस, जिससे क्या बोलते हैं, ठीठरे ना। हाँ, सुकर ना जाए। हाँ, मटन इसलिए गर्म पानी यूज करते हैं ना भैया। इस मटन को गांव देहात जो बोलते हैं कठुआ जाना, वो नहीं होगा, कठुआना नहीं होगा ना। ये देखिए, अभी मटन को अच्छी तरह से यहाँ पे गुथा जा रहा है भैया। ये आपका साइज अनुसार है। ये कैसे मिल रहा है? ये आपका 200 पड़ेगा। 200 रुपया? हाँ, बड़ा वाला चूसता है। बड़ा वाला। और इससे छोटा वाला आपको 150। 150। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100, 150, 200 में आपको चूसता आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस तरह से मटन को अच्छी तरह से भूजा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म अभी मटन। अभी इस तरह से देखिए भाई, कितना मस्त अभी छूट गया है। ये देख सकते हैं कलर, देखिए कितना अच्छा से निखर के आ चुका है मटन का। ये देखिए कितना लाजवाब मटन लग रहा है भाई। अभी बुलबुला जो आ रहा है ना, वो काफी शानदार लग रहा है। ये देखते हैं मटन का बुलबुला, अभी कितना सुंदर अभी मटन का टेस्ट आ रहा है। और ये क्या डाल रहे भैया? ये गरम मसाला डाल रहे हैं। ये गरम मसाला डाल रहे हैं ना। टेस्ट के लिए यहाँ पे गरम मसाला डाला जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो काफी शानदार लगता है। अभी इसको गरम मसाला पीस के भी डालते हैं, उसके बाद हाँ, उसका चूर्ण भी डालते हैं ना। चूर्ण को भी डालते हैं। ये देख सकते हैं भाई, गरम मसाला का यहाँ पे ये डाला जा रहा है। मटन देखिए कितना शानदार लग रहा है, दिखने में काफी लाजवाब लग रहा है मटन, पूरा बुलबुला छोड़ गया मटन का। और ये दला दली, ये जोहार संगी होटल में आपको इस तरह से मटन देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी गरम मसाला डाला जा रहा है। ये देख सकते हैं काफी शानदार लग रहा है भाई, जो भैया जी यहाँ पे बना। ये देखिए भाई, मटन आपको काफी लाजवाब मटन बन रहा है, जो भैया के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो लगभग कितने सालों से हम मटन बना रहे हैं भैया? ये 2 साल हो गया मेरा। 2 साल से मटन बना रहे ना, और उससे पहले भी बनाते थे, घर में बनाते थे। तो लोकेशन बताइएगा, किसी को अगर हला पत्तल वाला खाना है, संगी होटल वाला मटन, तो कहाँ आना पड़ेगा? ये आपको जोहार संगी होटल आना पड़ेगा। ये आपका पड़ेगा रिंग रोड दला दिली, नियर धोनी फार्म हाउस। नियर धोनी फार्म हाउस, सामने सब्जी बाजार है। सामने सब्जी बाजार है, और ऊपर में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? जोहार संगी होटल। जोहार संगी होटल। जोहार संगी होटल में यहाँ पे सखुआ वाला पत्ते वाला मटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफी लाजवाब लग रहा है। ये देख सकते हैं मटन कितना बेहतरीन बनाया जा रहा है। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से पहले भूंजा गया, फिर मसाला को भूंजा गया, उसके बाद फिर मटन के साथ मसाला और प्याज को अच्छी तरह से गूंथा जा रहा है भाई। ये देख सकते हैं काफी शानदार मटन लग रहा है। ये देखिए भाई, प्याज गायब हो गया। देखिए प्याज गायब हो गया ना, तो प्याज जो है ना, 1 घंटा से आप भून लीजिएगा तो कैसे नहीं गायब होगा भैया। 1-1.5 घंटा से प्याज ही भूनते रहते हैं, मसाला को 1/2 घंटा से भूनते हैं, फिर 1 घंटा से आप मटन को भूंज रहे हैं। ये देखिए लगभग इसको एक घंटा लगेगा बनने में ना। हाँ, 1 घंटा पूरा मटन का प्रोसेस 3 घंटा लग जाता है। 3 घंटा लगता है। 3 घंटा में आप मटन बनाकर रेडी करते हैं। रेडी करते, तब जाके अच्छी तरह से सीझता है मटन ना भैया। ये कौन वाला मटन रहता है भैया? ये हमारा आपका देहाती रहता है, छोटा कान वाला। मजाक नहीं ना कर रहे भैया? मजाक नहीं कर रहे, ना खिला रहे ना भैया। उसका आपको लोग आएगा कि भैया सस्ता इतना कैसे दे रहा है,
तो बकरी उकरी नहीं खिला रहे हैं? नहीं भैया। देखिए चुस्ता चरबोदा दिखाई भैया, कितना बड़ा बड़ा चुस्ता चरबोदा देखने को मिलेगा। ये देखिए भाई चुस्ता आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो काफी शानदार लग रहा है, काफी बड़ा बड़ा साइज रहता है चुस्ता चरबोदा का। और रन पीस वगैरह दिखाइए थोड़ा, ये देखिए हड्डी वाला पीस, पंजरा पीस, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये रन पीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है भाई। मटन देखिए, कल मटन का कलर कितना अच्छा से निखर के आ चुका है, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है भाई मटन। और मटन का कलर देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, मटन का जो है ना सेंट अभी से आ रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है भाई, सच बताऊं तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे मटन इस तरह से शानदार लग रहा है, और कितना भयानक बुलबुला छूट रहा है भाई, वो काफी शानदार लग रहा है। मटन को अच्छी तरह से बनाया जा रहा है, गुथा जा रहा है मसाला के साथ और प्याज के साथ, जो गुथा मिलेगा। तो मटन यहाँ पे कैसे देते हैं भैया? मटन 60 रुपए पीस मिलेगा मेरे पास, 60 रुपए पीस, 60 रुपए पीस, एक पीस का 60 रुपए लेते हैं। तो 60 रुपए पीस आपको यहाँ पे मटन देखने को मिलेगा दोस्तों, एक पीस का 60 रुपया। और चावल के साथ अगर ऐड कीजिएगा तो आपको कितना प्राइस पड़ेगा भैया? आपका एक पीस अगर लेते हैं तो 90 रुपए पड़ेगा। हाँ हाँ, दो पीस, दो पीस 150, दो पीस 150। हाँ मतलब 60 रुपए पीस आपको मटन देखने को मिलेगा, एक पीस का यहाँ पे आपको यहाँ पे 60 रुपए, और चावल के साथ लीजिएगा तो 90 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। मटन देखिए कितना लाजवाब यहाँ पे बन रहा है, जो काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे सिझाया जा रहा है, और उसके बाद इसको हल्की आंचों में इसको बनाया जा रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है ना भैया। तो 60 रुपए पीस दीजिएगा ना। हाँ, नहीं आने के बाद बोलिएगा भैया। नहीं नहीं, 60 रुपए पीस है। तो 60 रुपए पीस यहाँ पे मटन लिया जा रहा है, छोटा कानोला एकदम मस्त पिटारा खुल चुका है। ये देखिए कितना बेहतरीन अभी कलर कितना बढ़िया से निकल के आ चुका है मटन का, और वॉयलीपन कितना बढ़िया से छोड़ चुका है, रोगन देखिए कितना बढ़िया से आ चुका है इस मटन का, काफी लाजवाब मटन लग रहा है भाई। और इस मटन को खाने के लिए लोग काफी यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या डाल रहे हैं भैया? ये मीट मसाला है MDS पे। ये मीट मसाला डाल रहे हैं ना, देख सकते हैं अभी मीट मसाला यहाँ पे जाने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं मीट मसाला जा चुका है, और ये मटन देखिए कितना बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे रोगन सब आ चुका है इस मटन का, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे मीट मसाला जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनली मटन बन के अब रेडी हो चुका है। उसके बाद ये क्या डाल रहे हैं भैया? ये गरम मसाला है। ये गरम मसाला है, देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे गरम मसाला इस तरह से डाला जा रहा है, और ये मटन लगभग बन के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया से रोगन निखर खाया जाएगा, देख सकते हैं भाई इस तरह मटन यहाँ पे बनाया जा रहा है, और अच्छी तरह से इसको मिलाया जाएगा, उसका थोड़ा सा और सिझाया जाएगा इस मटन को। और देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं दोस्तों मटन किस तरह से रंग निखर चुका है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे धनिया पत्ता डाल रहा है, और ये देख सकते हैं भाई फाइनली अब मटन बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ऊपर से इस तरह से धनिया पत्ता डाला जा रहा है, मटन देखिए कितना बढ़िया से कलर निखर के आ चुका है, मटन काफी शानदार लग रहा है भाई। और ऊपर से जो धनिया पत्ता आ जा रहा है ना, उसका टेस्ट है ना और लाजवाब हो जाएगा। फाइनली मटन बनने के बाद ऊपर से यहाँ पे चर्बी जा रहा है दोस्तों, और ये चर्बी को यहाँ पे इस तरह डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। रांची में भाई मटन चावल के साथ चिप्स ना हो उसका मजा ही नहीं आएगा, तो हर मटन चावल में आपको चिप्स देखने को मिलेगा। और इसे चिप्स को अच्छी तरह से यहाँ पे तला जा रहा है, और तल के फिर यहाँ पे इस तरह रखा जा रहा है बोरी में, और देख सकते हैं इस तरह बोरी में यहाँ पे रख रहे हैं भैया जी। और इस तरह से यहाँ पे चिप्स तल के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मटन किस तरह से भुना जा रहा है। और भैया पहचान क्या है इसका, क्या आप असली मटन आप बेच रहे हैं? देखिए ये एंटीना है। अच्छा, एक तो गलती से डाल दिया, मिल नहीं रहा है, टावरे ने पकड़ रहा है क्या समझे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप असली वाला, आपको आपको पता चल जाएगा कि असली बेचते हैं भैया, कि यहाँ पे एंटीना ये रखे हुए हैं बकरा वाला एंटीना। तो होटल में किस तरह से हम मटन खा रहे हैं, और मटन के प्यारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं सकवे के पत्तल में आ चुका है ये मटन। तो भैया कहाँ से आए हुए हैं आप खाने के लिए? ऐसे रातो रोड से आए हुए। रातो रोड से, कैसा टेस्ट कैसा आया? टेस्ट एक नंबर। जब भी इधर का हम लोग गाड़ी लाइन वाले हैं। अच्छा, जब भी हम लोग को इधर मतलब की ऑर्डर आता है तभी हम लोग यहाँ पे घुस जाते हैं, मनपसंद भी मिल जाता है ना। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह देखने को मिलेगा सकवे के पत्तल में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं मटन खाने के लिए, और मटन के दीवाने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सुबह सुबह सकवे के पत्तल में। तो भाई यहाँ का मटन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कब से आ रहे हैं खाने के लिए? आ तो रहे हैं, ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। मटन का टेस्ट कैसा है? मटन का टेस्ट अच्छा है, और सकवे पत्ते में जो खा रहे हैं उसका टेस्ट और लाजवाब है ना भाई। तो मटन का पीस बड़ा बड़ा रहता ना, साइज ठीक रहता? साइज ठीक, पेट भर जाता ना भाई। कहाँ से आए? हम लोग मोराबादी से। मोराबादी से, तो देख सकते हैं भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो भाई कैसा लग रहा भाई यहाँ पे खाने में? बहुत अच्छा। खाने में टेस्ट लग रहा ना? हाँ, टेस्ट लग रहा। मतलब पैसा वसूल हो जा रहा ना भाई? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? मोराबादी। मोराबादी से आप भी आ गए? हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक मोराबादी से यहाँ पे स्पेशल दलादली चौक आए हैं मटन खाने के लिए। तो काफी दिनों से लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे मटन का जो है ना वो काफी लाजवाब लगता है, इनका टेस्ट जो है ना वो काफी शानदार रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है। सुबह सुबह आ गए हैं, कहाँ से आए भैया खाने के लिए? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से स्पेशल खाने के लिए, वो भी दलादली चौक। और ये मटन के लिए?
और ये मटन के लिए आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं खाने के लिए, कैसा लगा टेस्ट, कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है, हमेशा यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दोस्ती यार भी आता है, एक मेरा दोस्त और आ रहा है यहीं पे। देख सकते हैं यहाँ पे भाई मटन खाने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और इस तरह से यहाँ पे मटन के दीवाने लोग यहाँ पे आ चुके हैं सुबह सुबह मटन खाने के लिए। और ये देख सकते हैं चुस्ता किस तरह से कटिंग किया जा रहा है, काफी शानदार लग रहा है भाई ये चुस्ता, ये देख सकते। और इस चुस्ता को खाने के लिए काफी लोग पसंद करते हैं, ऑर्डर पहले से दिया जाता है चुस्ता को खाने के लिए, और अच्छी तरह से कटिंग करके फिर यहाँ पे दिया जा रहा है दोनों में। ये चुस्ता कट होकर रेडी हो चुका है और ये दोना में जा रहा है भाई, ये देख सकते हैं ये काफी शानदार लग रहा है। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे ग्रेवी डाला जाएगा, वो काफी बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया से निखर के आ चुका है मटन का। उसके बाद ऊपर से जो ग्रेवी जा रहा ना चुस्ता में वो काफी शानदार, देखिए भाई कितना बेहतरीन अभी यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे मटन है, और ये देखते हैं रंगत कितना बढ़िया से निकल चुका है। और यहाँ पे इस तरह से सखे के दोना में इस तरह से मटन को परोसा जा रहा है दोस्तों, और हर दोना में यहाँ पे दो दो पीस जाएगा, जो दो पीस आपको मिलेगा वो मात्र यहाँ पे 150 रुपया मिलेगा। ये देखते हैं पंजड़ी पीस यहाँ पे आपको निकल रहा है दोस्तों, ये देखते हैं काफी शानदार शानदार यहाँ पे पीस निकल रहा है, ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है भाई। जो सखरे के पत्ते में निकलता है ना वो काफी शानदार लगता है, और अभी हर दोने में अभी दो दो पीस जाएगा। और इतना ऑर्डर है ना भाई यहाँ पे संगी होटल में, यहाँ पे मेला लग जाता है मटन खाने के लिए, लोग यहाँ पे आते हैं लाइन लगा के खाते हैं, ऑर्डर यहाँ पे पहले देना पड़ता है, नहीं तो भाई मटन हो जाएगा खत्म, और आप लेट से आइएगा तो लेट से मटन नहीं मिलने वाला है। और इस तरह से मटन देख सकते हैं, रोगन देखिए मटन कितना बेहतरीन यहाँ पे निकल के आ चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सारा दोना में इस तरह मटन निकल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं मटन खाने के, लोग काफी दूर दूर से आते हैं, और पूरा दलादली चौक में इस तरह संगी होटल में आपको इस तरह से भीड़ देखने को मिलेगा मटन खाने के लिए। देख सकते हैं काफी लोग आए हुए हैं, जादूगर कैसा लग रहा है मटन, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एक नंबर टेस्ट लग रहा है ना, सब एक ही ग्रुप से आप लोग ना, एक ही ग्रुप से। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भीड़ लगाए हुए मटन खाने के लिए, और दलादली चौक यहाँ पे जौहर संगी में आपको इस तरह से मटन खाने के दीवाने लोग मिलेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों जो हर्रा पतल सखे के पतल में दिया था ना वो काफी शानदार रहता है, और कितना मेला लग चुका है भाई देख सकते हैं। फाइनली गाइस हमारे पास आ चुका है ये मटन चावल, और ये हमारा मटन चावल देख सकते हैं सखुए के पत्तल में आ चुका है, जो झारखंडी लोग काफी पसंद करते हैं। तो आपको सखुए के पत्तल में अगर खाना है मैं पतली वाला मटन तो आपको आना पड़ेगा धोनी फार्म हाउस के बगल में जौहर संगी होटल में, जहाँ पे इस तरह का सखुए के पत्तल में दिया जाता है। इस तरह का मटन आपको देखने को मिलेगा, काफी शानदार ग्रेवी ये देख सकने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं इतना शानदार ग्रेवी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए भाई इस तरह मटन आ चुका है हमारे पास, और ये मटन देखिए कितना अच्छा सीज चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको तोड़ने पे ये देख सकते हैं कितना अच्छा सीज चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई ये रेसा वाला मटन है ना, समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मटन है, और काफी शानदार मटन लग रहा है। और तो बहुत सारे यहाँ पे मटन आ चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे नाली वाला पीस भी मिल चुका है, ये देख सकते हैं भाई ये नाली वाला पीस मटन है, जो काफी लोग पसंद करते हैं इस मटन को खाने के लिए। पहले से खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं किस तरह से यहाँ पे लगता है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना अच्छा से टूट चुका है, ये रेसा वाला मटन है ना भाई, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, और असली छोटा कान वाला मटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया सीझा हुआ है, किस तरह से यहाँ पे लग रहा है चावल पूरा फ्रेश लग रहा है भाई। और हमारे पास ये आ चुका है जो काफी शानदार मटन लग रहा है, ये देख सकते हैं हमारे पास, पहले से खा के भी देखते हैं टेस्ट करके बताते हैं। और हमारे पास क्या चिप्स आ चुका है, चटनी आ चुका है, प्याज आ चुका है, और ये सलाद आ चुका है, सलाद चलिए इसे खा के देखते हैं टेस्ट करके बताते हैं, पहले चावल और ग्रेवी के साथ टेस्ट करते हैं दोस्तों। चावल के साथ ग्रेवी को लटपट करने में कितना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है खाने में ना मत पूछिए। लाजवाब टेस्ट है भाई, तीखापन एकदम इतना है ना कि आपको मटन के साथ अगर इतना तीखा ना हो तो मजा नहीं आएगा, तीखापन काफी बढ़िया है, और अदरक लहसुन जो उसका टेस्ट है ना वो काफी शानदार आ रहा है, और सखुए के पत्तल में जो चावल मिला ना भाई उसका टेस्ट और ही मजा आ रहा है, सुपर लाजवाब लग रहा है। तो हमारे पास ये मटन आ चुका है दोस्तों, मटन को इसको खाते हैं, देख कितना बढ़िया सीज चुका है, इतना बढ़िया से यहाँ मटन टूट सीज चुका है, ये देखते हैं हमारे पास ये मटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखते हैं कितना बढ़िया से सीज चुका है, चलिए इसे खा के देखते हैं टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों। सुपर टेस्ट है, इतना शानदार मटन लग रहा है भाई, मजा आ गया खा के, इतना बढ़िया सीझा हुआ है ना मटन, तो आप लोग सब जगह खाए होंगे लेकिन एक बार यहाँ पे जौहर संगी में होटल में आकर एक बार मटन खाइए, जो 150 रुपये हम दो पीस देते हैं, बड़ा बड़ा पीस देते हैं,
अगर आपको एक पीस खाना है तो आपको सिर्फ मात्र 90 रुपया लगेगा, और सिर्फ आपको एक पीस मटन लेना है तो मात्र 60 रुपया हम आपको यहाँ पर मटन खाने को मिलेगा दोस्तों, जो काफ़ी शानदार लगता है। अगर किसी को मुड़ा हुआ मीट भी खाना है ना दोस्तों, तो जो हर संगी आई है मुड़ा हुआ मीट भी मिलेगा, तो 60 रुपये पीस यहाँ पे मटन आपको यहाँ खाने को मिलेगा, जो सकरे के पत्तल में आपको दिया जाएगा, जो काफ़ी झारखंडी फील करता है और काफ़ी देहाती तरीकों से यहाँ पे खिलाया जाता है। सुपर टेस्ट, इतना शानदार लग रहा ना, प्याज को इतना अच्छे से भुजा गया ना, इतना मजा आ गया, मसाला को काफ़ी अच्छी तरह से भुजा गया है, अदरक लहसुन और मिर्चा का जो है ना अच्छा तीखापन है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम मीडियम, मीट में जितना तीखापन होना चाहिए वो है दोस्तों। सुपर लाजवाब टेस्ट, मटन तो बहुत खाए दोस्तों, लेकिन जोहार संगी वाला मटन ना उसका टेस्ट ही अलग है। मजा आ गया, मीठ है भाई पूरा देहाती वाला, पर रेशेदार मटन निकल रहा है, देख सकते हैं इसमें केमिकल का यूज नहीं किया गया, केमिकल यूज किया जाता है रेशा नहीं निकलता इस मटन में, ये देख सकते किस तरह रेशा निकल रहा है मटन का। सुपर टेस्ट, देखिए सलाद भी आया हमारे पास जो काफी शानदार लग रहा है, साथ में चटनी को चाटने में और भी मजा आता है दोस्तों। ये नाली पीस भी हम लोग ले चुके हैं जो काफी शानदार लगता है। सुपर टेस्ट, साथ में इसके पास साथ चिप्स जो आता है वो काफी शानदार लगता है, 150 रुपया पैसा वसूल हो जाता है, यहाँ आइए पैसा वसूल हो जाएगा 150 रुपया, और 60 रुपये पीस यहाँ पे मटन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपर लाजवाब, ना ज़्यादा यहाँ पे ऑयली भी ज़्यादा तेल का भी उतना यूज नहीं किया गया है, एकदम पूरा नॉर्मल टाइप का एकदम देहाती वाला घर वाला यहाँ पे बनाया गया दोस्तों। चलिए फटाफट मटन और चावल खा करते खत्म दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर बता दें, वीडियो अगर अच्छा लगे फिर लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।